लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज क्लिपर 28 में ज्वलंत मुद्दे में देश के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। हालात ऐसे हैं कि कहना पड़ता है चलो नया कानून निकाला जाए, पर अफसोस ये है कि कहना पड़ता है कि पहले पिछला तो संभाला जाए। नमस्कार, मैं वर्षा और आज क्लिपर 28 में हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन कानून पर। जी हाँ, नागरिकता संशोधन कानून आज देश का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। जैसे ही राष्ट्रपति ने 12 तारीख को इस पर अपनी मुहर लगाई, आज समाज में हर वर्ग, देश में चाहे वो युवा हो, छात्र हो, नेता हो या अभिनेता, हर कोई इस पर तर्क वितर्क कर रहा है। इस पूरे मामले में ये देखा जा रहा है कि कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पर इसने बहुत ही हिंसात्मक और उग्र रूप ले लिया है, जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। दूसरी तरफ सरकार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारा ध्यान उस ओर ले जाना चाहते हैं, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग हमारे देश में आएंगे और जब आज हमारे देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है, आज महंगाई जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं, आज बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में जब बड़ी तादाद में लोग हमारे देश में आएंगे तो क्या ये समस्याएं और आगे नहीं बढ़ जाएगी? तो हमारी सरकार की आगे की क्या रणनीति है इस विषय पर, आज हम इसी सिलसिले पर आज हम मिलेंगे बिलासपुर के सांसद अरुण साव जी से और हम बात करेंगे उनसे नागरिकता संशोधन बिल पर। नागरिकता संशोधन बिल पर बड़ा बवाल हो रहा है असम में, पूर्वोत्तर में, बहुत अलग टाइप का। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे ही बिल 9 दिसंबर को पारित दिया गया, वहाँ पे लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में 11 दिसंबर को पारित हुआ, उसके बाद से ही हंगामे का एक अलग सा दौर, एक अलग सा ही हुजूम देखने को मिल रहा है पूर्वोत्तर की तरफ, खासकर देखने को मिल रहा है। वहाँ पे देखा गया सर कि मोबाइल सेवाएँ बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कांग्रेस आरोप ये लगाती है कि भाई इतने साल हमने राज किया, कभी मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट बंद नहीं किए, 370 के लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन ये सारी क्यों हो रही, जनता इससे बड़ी परेशान हो रही है सर। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय करके भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नागरिक संशोधन विधेयक पारित कराया। इस विधेयक के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, इन संप्रदाय के लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आकर रह रहे हैं, भारत में आकर जो शरण लिए हुए हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस कानून का भारत के किसी मुसलमानों के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इस कानून का पूर्वोत्तर के किसी राज्य के नागरिकों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कांग्रेस हमेशा की तरह अफवाह फैलाकर, लोगों के बीच भ्रम डालकर लोगों को आंदोलन करने के लिए बाध्य की है। वास्तव में ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। खास वजह मुस्लिम समुदाय को इससे दूर रखने का? एकदम स्पष्ट वजह है, क्योंकि सर इसमें धर्म, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इन तीनों देशों का संवैधानिक रूप से दर्जा मुस्लिम राज्य का है। इन्होंने अपने संविधान में अपने उन तीनों देशों को मुस्लिम इस्लामिक राज्य घोषित किया हुआ है। तो ये किनके लिए कानून है? जो उन राज्यों में अल्पसंख्यक थे। अब मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक तो होंगे नहीं जी। और ना उनके साथ कोई प्रताड़ना वहां होगी। लोगों को जानकारी नहीं है नागरिकता संशोधन बिल है क्या, इसलिए इसमें क्या सुधार हुए हैं और क्या क्या क्यों मुसलमानों को नहीं रखा गया, तो इसलिए मैं इस बहुत डिटेल में जाना चाहता हूं। क्लिपर एक बात और मैं बताना चाहूंगा जी, कि पहले भी अलग अलग वर्ग में इस तरह से लोगों को नागरिकता देने का कानून राज्य में, देश में कांग्रेस की सरकारों ने किया है जी। हाँ, कभी श्रीलंका के लोगों को, तमिलों को,
बांग्लादेश नेपाल के लोगों को, तो ये कोई नया नहीं है। कांग्रेस इस तरह के भी आरोप लगा रही थी कि अहमदिया मुस्लिम वहाँ पे बहुत प्रताड़ित हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अहमदिया जो मुस्लिम समाज है वो धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, और देश में हमारे बहुत से ऐसे अहमदिया मुस्लिम हैं, उनको क्या खतरा होगा, उनको क्यों नहीं लिया गया इस? मैंने स्पष्ट कहा, अब हर धर्म में अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग पंथ हो सकते हैं उसमें भी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुस्लिम हैं, और वो मुस्लिम हैं इसलिए उनके साथ प्रताड़ना नहीं हुई है जी, और इसलिए उनका वहां से पलायन करने का कोई कारण नहीं है धार्मिक आधार पर। अच्छा, ये उनके आपसी एक तरह से कह सकते हैं जाति संघर्ष हो सकता है। श्रीलंका से भी तमिल समाज है, पहले लिया गया है जी। पहले लिया गया है, वही मैंने आपको स्पष्ट किया, जब तमिल शरणार्थी आए थे हिंदुस्तान में, तमिलनाडु में, तो उनको एक बार लिया जा चुका है। हाँ। और इसलिए ये कहना कि अब उस समय जैसे तमिल को लिए बाकी लोगों का नहीं लिए, तो फिर बाकी लोगों के ये प्रश्न उठ सकता था। बिल्कुल कुछ, लेकिन आज जो उन तीन राष्ट्रों में अल्पसंख्यक थे और धार्मिक कारणों से उनकी प्रताड़ना हुई, और उस प्रताड़ना के कारण उन्होंने जो राष्ट्र छोड़ना पड़ा उसके कारण ये कानून बनाना पड़ा। नारकी जीवन जी रहे थे ये लोग, न इनके पास राशन कार्ड था, न ये शादी कर सकते थे, न जमीन जायदाद खरीद सकते थे, भय था कि पता नहीं वो कब तक यहाँ रह पाएंगे। कुछ ऐसे भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि कहीं भाजपा हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनाने जा रही है। भारत के संविधान के अनुरूप काम हो रहा है, और फिर मैंने कहा कि मुझे कोई एक चीज़ तो बताए कि ये किस तरह से हिंदुस्तान के मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ है ये कानून, एक कोई कारण बता दे। कांग्रेस के जो मनीष तिवारी हैं सांसद हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि आर्टिकल 14, 15, 21, 25 के संविधान के एकदम खिलाफ होके कार्य हो रहा है भाजपा शासन में। आर्टिकल 14, 19, 25, 21 का उल्लंघन क्या होता है, कैसे होता है, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने और बहुत सारे वक्ताओं ने स्पष्ट किया है। जब इन तीन राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को उनमें से किसी को छोड़ते, थोड़ी देर के लिए मुस्लिम को छोड़ते, तो उनके लिए हो सकता है धारा आर्टिकल 14 का वायलेशन हो। सर कानून को अच्छे से समझते हैं, मैं बता दूं कि अरुण साहू जी महाधिवक्ता भी रह चुके हैं हाईकोर्ट में। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि भाई बेरोजगारी के मुद्दे, करोड़ों लोगों की नौकरियां लग जाएंगी, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, GDP हमारी गिरते जा रही है, और भाजपा का ध्यान है धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर। जब उनको कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या देश में आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही है, क्या आज देश में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, क्या आज रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है विकास के कारण? हर क्षेत्र में चौतरफा विकास हो रहा है, चाहे रेल के क्षेत्र में हो, नेशनल हाईवेज के क्षेत्र में हो, उद्योगों के लिए हो, अन्य सारे क्षेत्रों में काम हो रहे हैं विकास के, और जब विकास के काम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से रोजगार का सृजन भी हो रहा है। GDP का एक आंकड़ा है, GDP का आंकड़े अभी लगातार इस विषय पे ऐसा कह रहे हैं कि सारा कार्य चल रहा है भाजपा का, तो ये GDP क्यों डाउन होते चले जा रही है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आया है, इस मंदी के कारण तत्कालिक रूप से GDP की ग्रोथ में कमी आई है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने का सतत प्रयास भारत सरकार कर रही है, और आप देखेंगे कि आने वाले 4-6 महीनों में भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करते हुए दिखेगी। डिटेल में तो बहुत सारी बातें हो गई सर, एक संक्षिप्त में पूर्वोत्तर के लोग, क्योंकि हंगामा मेन पूर्वोत्तर में है, तो संक्षिप्त में कुछ 2-4 लाइन बताते कि जो जनता को एक सहानुभूति मिलती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जब इस विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही थी, मैं सदन में मौजूद था जी, एक एक राज्यों का नाम का उल्लेख करके देश के गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के सभी राज्य के लोगों को ये आश्वस्त किया है कि इस विधेयक से उन राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। उन राज्य के सांसदों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया था।
तो ये थे अरुण साव जी जो कि सांसद हैं बिलासपुर लोकसभा के। सर ने डिटेल में नागरिकता संशोधन बिल पे बात की, रोजगार पे बात किया और स्पष्ट रूप से क्लियर किया है कि भाजपा 5-6 महीनों में इसमें और भी जीडीपी की ग्रोथ के लिए कुछ अन्य कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, आप संविधान के भक्षक हो जाते हैं अगर आप हिंसक हो जाते हैं। दोस्तों, क्लिपर 28 की तरफ से मैं वर्षा आप सभी से आग्रह और अनुरोध करना चाहती हूं कि अगर ये लड़ाई संविधान की है तो संविधान के दायरे में ही रहकर लड़ी जाए। याद रहे। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।